जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रशीद अली साहब फौजी। आप देख रहे डेली न्यूज चैनल चुनाव रुझान। डेली न्यूज चैनल आज मौजूद है ग्राम रमऊ उत्तर प्रदेश खानपुर देहा विधानसभा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में मौजूद हूं। यहां पर बंदे पर काफी मार्केट है, दुकान है, यहां पर काफी लोग मौजूद थे। हमने सोचा चलो इनसे कुछ बात कर लेते हैं और वोटिंग के बाद का रुझान जान लेते हैं। क्या परिवर्तन पर इन्होंने वोट दिया है या महंगाई पर वोट दिया है, किन मुद्दों पर वोट दिया है? आपका क्या नाम है? राजेश, आपने वोट दिया है? किस मुद्दे को लेकर आपने वोट दिया है? महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा? बेरोजगार। आपका नाम क्या है? जगनंदन। जगनंदन जी, आप ये बताइए, जब आपने वोट डालने घर से निकले थे वोट डालने के लिए, उस समय आप क्या सोचते हुए रास्ते में जा रहे थे कि हमें महंगाई पे वोट देना है, बेरोजगारी पे वोट देना है या आवारा जानवर पर वोट देना है? किसी पर नहीं, मैंने साइकिल में वोट दिया। हमने आपने खुल के बोल दिया साइकिल पर। चलो हम ये नहीं पूछ रहे थे, मुझे पूछने का अधिकार भी नहीं है आपने किसको वोट दिया है। अगर आप बोल रहे हो अच्छी बात, यानी साइकिल साइकिल को दौड़ा दिया। आपका क्या नाम है? राम प्रकाश जी, आप बताइए, जब आप वोट की बटन दबा रहे थे उस समय आपके दिमाग में क्या पैदा हो रहा था? महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी था, अस्पताल था या सरकार परिवर्तन का मुद्दा था? क्या मुद्दा था? इससे बदलाव होना जी, मतलब आपने बदलाव पे वोट दिया है, नया सरकार बनाना है? नया सरकार, बीजेपी सरकार से क्या परेशानी है आपको? यही परेशानी है, बताइए जरा, मोटा मोटा बताइए। मोटा का यहाँ रखवाली करते हैं, रखवाली करने वाले जो चार लोग सांड ने मार डाला है, लेकिन आपको जो गल्ला फ्री दे रही है, सिलेंडर दिया, इस पर क्या कहोगे? क्या अपना दे रहे घर का? आप ये बताइए, अगर भाजपा में आओ तो जा रहे थे रास्ते में, उस समय आपके दिल में क्या विचार पैदा हो रहे थे, किन मुद्दों को लेके आप रास्ते में आगे बढ़ रहे थे वोटिंग की तरफ? हमने इस हिसाब से वोट दिया है कि यहाँ प्रगति और इस तरह से शांति है जी। जानवरों की बात रह गई, जानवर कोई सरकार खुद नहीं ढिलवाए जी, ये हमारे जानवर हैं, हम दूध दूध लेते हैं फिर ढील देते हैं जी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपका कहना ये है कि जो वर्तमान सरकार है यही सरकार हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब आपने रिपीट किया सरकार को, इसी सरकार को आगे बढ़ाना है। आपका शुभ नाम क्या है? कटियार जी, आप ये बताइए, जब आप बटन दबा रहे थे उस समय आप बटन दबाने से पहले क्या सोच रहे थे, कौन मुद्दों को लेके गए थे आप? पहले मैं ये बंदा लेके गया था जी, असगर तो नहीं हुआ कहीं, प्रागुता नहीं है, कोई भक्ति होती है लगाना है, कमल को दबाना है और कमल को आगे बढ़ाना है। सरकार उसी की बनेगी, रिपीट सरकार किया है। अच्छा, जब ये तीन लोग सब 75 लोग कर रहे हैं, कर रहे 75 कर रहे हैं, योगी सरकार ने कितना बनाया? चलिए ठीक है, और बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है अफरोज अली। अफरोज अली साहब, ये बताइए, जब आप घर से निकल रहे थे उस समय क्या दिमाग में सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे कि मुझे बटन दबाना है, तो किन मुद्दों पे बटन दबाई आपने? महंगाई, बेरोजगारी, किसी पे बटन नहीं दबाई हमने, इसे मारे बटन दबाई कि कौनो सपा में, सपा के अलावा कौनो हमारी गिनती नहीं। अच्छा, सपा में आपकी गिनती है? हमारी सपा में गिनती है भाई, चाहे गोली मार दो चाहे बारूद चला दो, नहीं गोली मारी का कोई काम नहीं है। अच्छा, हमारी गिनती है। यानी आपने बदलाव पे वोट डाला है, परिवर्तन करना है, यानी नई सरकार बनाना है? नई सरकार बनाना भाई, हम सपा के आदमी हैं। अच्छा, क्या आप कोई मेंबर सदस्य है, कोई पद है आपके पास? हाँ पद तो है, हम क्या पद है आपके पास? पटीरी का। अच्छा, और क्या? हम देखो नहीं, सपा का क्या पद है आपका, सरकार का? सपा का कोई नहीं है, कोई पार्टी का बहुत बड़ा पद है। अच्छा, और क्या पद है? लेकिन हमने हमारे शरीर से जहाँ वोट दिया, हम क्यों झूठ बोले? आपका क्या नाम है? अच्छा, ये बताइए, आप किन मुद्दों पे वोट डाला है आपने? महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा? हाँ, सब जाने भाजपा को वोट दिया है।
नहीं ये हम नहीं पूछ रहे, आप अच्छी बता रहे तो अच्छी बात है। जितना किया किसी सरकार ने किया। अच्छा जितना भाजपा ने किया है उतना किसी ने नहीं, लेकिन आवारा पशुओं से बहुत परेशान है जनता। पशु का सरकार गोवा हम तो छोड़ रही हो। अच्छा आपका क्या नाम है? इकबाल अली। इकबाल अली आप बताइए, जब आप वोट डालने जा रहे थे आपके दिलों दिमाग में क्या गूंज रहा था, किन मुद्दों को लेकर? महंगाई बेरोजगारी हमारे दिमाग में ये गूंज रहा था कि हमारी बिजनेसों में बहुत बड़ा फर्क होगा। हर पंच हर बार लॉकडाउन लग जाता है, हमारी बिजली जो है बैंक और बिजली का काम भी बंद हो जाता है, हमारे किसान भाई भी उसमें परेशान है, किसान भाइयों का जब काम नहीं हो पा रहा है वो भी परेशान है, हमारी बिजनेस कैसे चलेगी। अच्छा यानी आपने कुल मिला के परिवर्तन, नया सरकार लाना है, सरकार को बदलाव करना है, क्या बोलना चाह रहे हो? आपने जब वोट डाला किन मुद्दों पे वोट डाला? कांग्रेस पार्टी को वोट किया, कांग्रेस पार्टी का किसान किसान कांग्रेस का सदस्य हूँ, और हमारी पार्टी जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस ने देश के लिए काफी कुछ किया, लेकिन भाजपा सरकार ने किसान को तबाह कर दिया। जो जानवर हैं, जो अन्ना जानवर घूम रहे हैं, गौ माता है, ये है, ये चंद पैसे मिल जाते, जिसकी बिक्री जब होती थी किसानों को चंद पैसे मिलते थे, किसानों को चंद पैसे मिलते थे जब ये इसकी बिक्री होती थी बाजार मार्केट में, तो इससे किसान को बहुत नुकसान हुआ, तो फसल का नुकसान कर रहे हो, घर में कैसे खवाएंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुद्र प्रकाश है। अगर रुद्र प्रकाश आप ये बताइए, जब वोट डालने जा रहे हैं तो क्या दिमाग में लेके जा रहे हैं? मैं जा रहा था इस वजह से जा रहा था कि भाजपा सरकार ने अच्छा किया है, गुंडागर्दी सब खत्म की, गुंडागर्दी थी, अगर बन जाएगी सरकार तो उसकी गुंडागर्दी होगी और होगी। हाँ और होगी। अच्छा और जानवरों से हम ही लोग खेलते हैं जानवरों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जानवर हम ही लोग खेलते हैं। तो फिर जानवर को रखाने क्यों जाते हैं? उसको खाने दो ना खेत में। आए खाने दो उसको, खेत में रखाने क्यों जाते हो? रखाने हम नहीं जाते हैं, हम तो कहते हैं ना खाओ खाओ, मेरे खेत है, मैं जमीन वाले हूँ, जमींदार हूँ। अरे गाड़ी आ रही है, हर एक की हिस्से में नहीं पड़ती है इतनी। अच्छा इतनी जमीन है, हर एक के हिस्से में नहीं पड़ती है जितनी मेरी पड़ती है। और लोग कह रहे हैं कि गाय को खाने दो, कांटा क्यों लगाते हो चारों तरफ? कांटे लगाते हैं ये मूर्ख लोग, हम नहीं लगाते हैं, हम नहीं लगाते। अच्छा भाजपा सरकार बनेगी और फिर बनेगी, लेकिन लोगों का कहना है कि वो साइकिल आ रही है, अभी कह रहे हैं साइकिल लेके नहीं आ रही, जाएंगे बिगाल सब करो। अच्छा इस चार छह गाँव में इसका वादा हो, मैं एक एक बीघा की शर्त लगा सकता हूँ, मैं जमीन वाला हूँ, जिसका इरादा हो मैं शर्त लगा सकता हूँ एक एक बीघा की। सपा सरकार नहीं आ रही, भाजपा आएगी। नहीं लोगों का कहना है कि कड़ी टक्कर है। अरे कड़ी नहीं, कुछ नहीं भी, उसकी 155 सीटें हैं। अच्छा 255 सीटें हैं। नहीं लोगों का कहना है कि सरकार साइकिल कड़ी टक्कर दे रही है। अरे नहीं भाई, 255 सीटें हैं उसकी। अच्छा हाँ, और एक बीघा की सब लगा ले, भाजपा सरकार बनेगी। अच्छा हाँ, मेरे क्या कहना चाह रहे हो बताइए, किन मुद्दों पे वोट डाला आपने? बीजेपी में तो डाला, ये नहीं पूछ रहे, लेकिन क्या मुद्दा लेके गए थे आप? भ्रष्टाचार। अच्छा और उसके बाद नहीं करते कह रहे हैं कि मतलब सपा वाले अच्छा काम किया, सपा वालों ने, हम ये कह रहे हैं उनसे, किसानों को पूछना चाहते हैं, 2,000 रुपए दे रहे हैं, जो 2,000 रुपए दे रहे हैं आपको, हम आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं, उसकी कार फाइनेंस करवा दीजिए आप, वाले सपा सरकार ने एक इंसान रात में 8 बजे बाद निकलना पता, सोचता था कि हम निकलने जा रहे हैं वहाँ पे क्या होगा मेरे साथ, आज क्या होगा, 12 बजे रात में जाए, 2 बजे रात में जाए, कोई दिक्कत आ रही है किसी को? ठीक है। ग्राम रामू से डेली न्यूज चैनल के लिए कैमरा मैन शोएब के साथ मैं रशीद अली साहब फौजी, जय हिंद।